हरे कृष्णा। तो आज सुबह प्रार्थना था, किसी ने पूछा कि कौन ईश्वर है और किसकी पूजा करना जिससे हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि किसकी पूजा करना है। तस्मद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तथा वयम्। कि इसीलिए जो सर्वात्मा परमात्मा है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो हरि है, उनके बारे में श्रवण करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, तब हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं उन्हीं की कृपा से। चेचथा भयम्, सारे डर सारे चिंता से मुक्त हो जाएंगे। तो ईश्वर और भगवान कौन? ये जो हरि है कौन है? परम भगवान कौन? इसके बारे में चर्चा करेंगे। कल चर्चा हुआ कि हम शरीर नहीं है, हम जो क्षणिक सुख के लिए प्रयास कर रहे वो भी सही नहीं है। हम आत्मा है, आत्मा के लिए आत्मा का कर्तव्य क्या है? धर्म, धर्म के बारे में चर्चा हुआ, तो सनातन धर्म मतलब कि भगवान की भक्ति करना। तो भगवान कौन है तब? गीता में भगवान कृष्ण ने भी उन्होंने कहा कि मामैवांसा जीवालोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठीनि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। सारे जीव भगवान के कृष्ण के अंश है निस्संदेह, एवं अंश उन्होंने कहा, एवं से ही सारे जीव मेरे अंश है। परंतु और ये सनातन धर्म है जीवों का भगवान की सेवा करना, परंतु इस संसार में प्रकृति स्थानी सारे जीव छह इंद्रियों और मन के अंदर में परेशान है। तो अभी ये भगवान कौन है? तो सब लोग बोलते अलग अलग भगवान है। कोई बोले, जैसे आज चर्चा हुआ, कोई बोले शिव जी भगवान है, कोई बोले अग्नि भगवान है, कोई बोले दुर्गा भगवान है, सर्वोपरि आदि शक्ति दुर्गा है, कोई बोल रहे सूर्या, क्या क्या बोलते, कोई बोलते कि हम ही भगवान है और सब लोग भगवान है, और कौन है तब? कृष्णा भगवान या राम भगवान, इस प्रकार भी बोलते कि ये सब भगवान, सब भगवान, हम सारे भगवान की पूजा करते हैं, हम किसी को छोड़ते नहीं, ऐसे बोलते लोग। लेकिन अभी ये कौन है वास्तव में? सब एक ही है, सेम है क्या? नहीं है। शास्त्र में वर्णन है कि यस्तु नारायणस्य देवं ब्रह्मरुद्रादि दैवतः समात्मेनैव विक्षेता सपसंदी भवेत् ध्रुवम्। कि अगर व्यक्ति नारायण नारायण के समान मानते, देवों तो जैसे ब्रह्मा रुद्र और सारे देवों तो एक ही तुलना एक ही है सब, तो वो व्यक्ति पखंडी है। क्योंकि देवी देवता और भगवान में बहुत अंतर है। हमारा दृष्टिकोण से लग रहा है कि देवी देवता शक्तिशाली है और वो भगवान ही है। शक्तिशाली तो है, परंतु उनका शक्ति कहाँ से आ रहा है? वो देवी देवता जो आशीर्वाद देते, कहाँ से शक्ति आ रहे आशीर्वाद देने के लिए? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भगवान कौन। भगवान का जो परिभाषा है वो शास्त्र में दिया गया कि किसको कहते हैं भगवान। तो वर्णन है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञानवैराग्ययोश्चैव शोणभागैति गणा। जिनके पास सारे ऐश्वर्य संपूर्ण रूप में है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्रस्य मतलब
पूरी तरफ से उनके पास है। और क्या है? ऐश्वर्य, सबसे पहले दान, संपत्ति संपूर्ण रूप, आगे वानर वीर से शक्ति पावर है उनके पास संपूर्ण रूप, यशस मतलब सबसे यशवान व्यक्ति है, सबसे फेमस है, और श्रेय मतलब सबसे सुंदर व्यक्ति है, और सबसे बड़ा ज्ञानी है, ज्ञाना और वैराग्य, और सबसे बड़ा वैराग्य भी है। ये छह मुख्य ऐश्वर्य है भगवान के पास, संपूर्ण रूप एक साथ हमेशा के लिए। अगर ऐसा है तो तब बोल सकते कि भगवान है। तो अगर हम देख रहे हैं कि इस संसार में भी लोगों के पास कुछ ना कुछ ऐश्वर्य है, सबके पास कुछ ना कुछ पैसा है, दान या कुछ ना कुछ जमीन है, घर है, कुछ ना कुछ है, किसी के पास ज्यादा है और किसी के पास कम है, परंतु भगवान के पास संपूर्ण रूप में दान है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे लीला में कैसे हुआ। तो अभी व्यक्ति जो बहुत बड़ा दानी है, जरूर नहीं है कि सुंदर है, जरूर नहीं, परंतु भगवान सुंदर भी है। और हो सकते कि व्यक्ति धन्यवान है परंतु बुद्धिमान नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है, परंतु भगवान के पास ज्ञान भी है संपूर्ण। हो सकते कि व्यक्ति बहुत सुंदर है परंतु शक्ति नहीं है उनके पास इतना। तो भगवान के पास सारे चीज एक साथ संपूर्ण रूप हमेशा के लिए, इसलिए भगवान। तो दूसरा बात यहां पर आता है कि व्यक्ति जिनके पास दान है, ये जिनके पास सुंदरता है, ये कुछ भी है थोड़ा अधिक मात्रा में, अगर व्यक्ति के पास अधिक मात्रा में यश है, ये दान है, ये ज्ञान भी है, तो दूसरे लोग उनसे आकर्षित है। नहीं, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो दूसरे लोग आएंगे पैसा के लिए, आकर्षित हो जाएंगे। अगर व्यक्ति बहुत सुंदर है तो सब लोग देखेंगे, वो बहुत सुंदर है, आकर्षण होगा। अगर आपके पास क्या ज्ञान है बहुत, तो दूसरे लोग भी आकर्षित हो जाएंगे, देखेंगे ये तो बहुत बड़ा पंडित है, तो उसे ज्ञान देना है तो आकर्षण होगा। अगर वैरागी भी है, बहुत बड़े वैरागी, सब कुछ त्याग किया, तब भी दूसरे लोगों से आकर्षित है। तो इसीलिए भगवान जिनके पास सारे ऐश्वर्य संपूर्ण रूप में है हमेशा के लिए, वो सर्व आकर्षक है, सभी को आकर्षित कर सकते हैं, और इसीलिए उनका नाम है कृष्ण, सर्व आकर्षक कृष्ण। इस भगवान का नाम कैसे, भगवान के पास इस अलग अलग प्रकार के नाम है उनके गुण और लीला के अनुसार। तो ये गुण कि उनके पास सारे ऐश्वर्य पूर्ण रूप में है, इसीलिए कृष्ण सर्व आकर्षक। भगवान का नाम है राम क्योंकि ये परम आनंद देने वाला है, खुद आनंद में है और सबको आदान प्रदान कर सकते हैं। तो अलग अलग नाम है, जैसे कृष्ण का नाम है यशोदा नंदन, यहाँ पर है यशोदा के साथ, जो यशोदा माई को आनंद देने वाला है। और उनका नाम है ब्रज जना रंजना, जो ब्रिजवासियों को आनंद दे रहे। और यमुना तीरा वनाचारी, वो है कृष्णा जो यमुना और जंगल वन में भ्रमण करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। यमुना के पास कभी 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 अलग अलग वन में, तो इसलिए उनके लीला के अनुसार और उनके बातों के साथ और गुण के अनुसार उनका अलग अलग नाम होगा। इसलिए भगवान के अलग अलग प्रकार के नाम है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो भगवान के अनेक अनेक नाम है और सारे नाम में निज सर्वशक्ति, सारे शक्तियां भी है उनके नाम के अंदर। इसके बारे में अलग से चर्चा होगा। अभी हम चर्चा कर रहे हैं भगवान के परिभाषा के बारे में,
तो हम देखेंगे कि शास्त्र में, भागवत में और अन्य शास्त्र जैसे ब्रह्म संहिता में, जब ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा ने स्तुति किया भगवान की, तो उसी में वर्णन है भगवान के गुण के बारे में और भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में। तो हम देख सकते कि केवल कृष्णा ही, उन्होंने सारे ऐश्वर्य दिखाए अपनी लीला में, कोई देवता ऐसा नहीं किया। और उसी में, उसी स्तुति में जैसे ब्रह्म संहिता है, उसी में भगवान के बारे में और देवताओं के बारे में वर्णन है कि किस प्रकार देवी देवता भगवान के संबंध में है और किस प्रकार देवी देवता भगवान कृष्ण की आज्ञा के अनुसार का अपना कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य किस प्रकार का है। चिंता मणि प्रकर साधम सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीर विफालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तम अहम् भजामि। इस ब्रह्म संहिता में ब्रह्म जी ने कहा कि भगवान का धाम, भगवान का जो गोलोक धाम है, वो उनका वहां जो मिट्टी है वो चिंतामणि से बना हुआ। जैसे यहाँ पर जो मिट्टी है, जैसे बालू है, अलग अलग प्रकार का मिट्टी है, ये पत्थर है, परंतु वहां पर जो भी नीचे है मिट्टी जैसे, वो सब चिंतामणि, इस प्रकार का मणि, इस प्रकार का पत्थर है, जो भी वास्तु आप स्पर्श करेंगे सोना बन जाएगा, इस प्रकार का चिंतामणि है। एक पत्थर भी अगर इस गांव में आएगा तो आप लोग सब धन्यवान हो जाएंगे, कोई काम करना जरूरत नहीं होगा, क्योंकि जो भी आप स्पर्श करेंगे तो सोना बन जाएंगे, प्योर गोल्ड, शुद्ध सोना। तो ये चिंतामणि है, वहां भगवान का धाम जो है सब कुछ चिंतामणि। और कल्प वृक्ष के बारे में वर्णन है कि वहां जो भी वृक्ष है भगवान के धाम में, सब कल्प वृक्ष है, मतलब आपके जो इच्छा है, मनोकल्पना है, सब पूरी हो सकती, तुरंत तुरंत इच्छाओं को पूरी करेंगे। तो यहाँ भी बहुत सारे वृक्ष हैं, परंतु उस वृक्ष से आप क्या मिल सकते हैं? आम मिल सकते हैं, लेकिन वो भी केवल जब समय है उसके लिए। और अगर हम आम का वृक्ष है तो, अगर नहीं तो पपीता है तो पपीता मिल सकते हैं, वो भी जब पक जाएगा समय लगता है। नीम का वृक्ष है तो नीम पाता मिल सकते हैं, नीम का फल भी है जब आता है, परंतु नीम से आप आम नहीं मिल सकते, नीम के वृक्ष से नहीं। परंतु जो कल्प वृक्ष है, जो भी आपका इच्छा है, केवल फल नहीं, समोसा पकौड़ा हलवा मोबाइल गाड़ी पैसा, जो भी आपका इच्छा है वही मिल जाएगा। तो ये कल्प वृक्ष है, तो भगवान के धाम में सारे वृक्ष इस प्रकार के हैं और वहां जंगल भी है, तो ये भगवान की ऐश्वर्य है। और आगे है लक्षावृतेषु सुरवीर अभिफालयन्तम्, भगवान के धाम कृष्ण के साथ बहुत सारे गाय है, कृष्ण है गोपाल जो गाय की सेवा करते हैं। और इस वृंदावन में वर्णन है कि नंद महाराज के घर पे 900,000 गाय है, परंतु गोलोक धाम में असीमित संख्या है गायों का। और वास्तव में ये केवल एक ही घर के अंदर 900,000, बाकी जो गोपा है वृंदावन के पास भी बहुत सारे गाय, तो सारे गाय सुरावी गाय है, कामा देनो, मतलब दोबारा जो भी आपका इच्छा है वही पूरी कर सकते। तो ये तीन चीज है, मिट्टी चिंतामणि, वृक्ष कल्प वृक्ष, सारे इच्छाओं को पूरी कर सकते, और सारे गाय का मधे जो भी आपका इच्छा है मिल सकते। यहाँ पर गाय से मिल सकते दूध, और वो भी सीमित मात्रा में,
भगवान के धाम में असीमित मात्रा में दूध, और वो दूध केवल ऐसा दूध नहीं है, वो अमृत है। वो पीने से अमृत, अमृत मतलब मृत्यु, मतलब मृत मतलब मृत्यु, अमृत मतलब मृत्यु को समाप्त करने वाला दूध है। तो इस प्रकार, और अभी उससे आगे जो वाला है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विमानम। लक्ष्मी, आप लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी अभी आने वाला है परसों, तो क्यों पूजा करेंगे? लक्ष्मी जी पूजा क्यों करते हैं लोग? धन मिलेगा, दान मिलेगा, और दान से क्या करेंगे? सुख प्राप्त करेंगे। अच्छा, तो क्या सुख मिलेगा? अच्छा खाना और कुछ? दान से सुख मिलता है क्या? संतोष के लिए मिलता है, मिलता कहाँ है? मिलता नहीं। बहुत सारे दानी लोग हैं फिर भी संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, कल ये विषय कल था। लक्ष्मी जी पूजा करते पैसा के लिए, और लक्ष्मी किसका है, किसकी पत्नी? विष्णु की, विष्णु की। परंतु विष्णु तो कृष्ण ही विष्णु है, परंतु गोलोक वृंदावन में लक्ष्मी सहस्र शत, विष्णु के पास एक लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी पाती है। परंतु कृष्ण के पास लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान, कृष्ण के पास बारंबार हजारों हजारों लक्ष्मी, असंख्य मात्रा में लक्ष्मी है, जो बारंबार सेवा करने के लिए तैयार है और सेवा ही करते कृष्ण की। तो वो जो ओरिजिनल प्रथम आदि लक्ष्मी तो राधारानी ही है, और उनके जो विस्तार है, अलग अलग गोपियां हैं, बहुत सारे गोपियां हैं, मंजरी है, वो सब लक्ष्मी है वास्तव में। वो सब भगवान की सेवा, सेव्यमानम, सेवा भाव, 24 घंटे भगवान की सेवा, सेवा के लिए तत्पर है और इच्छुक है। विष्णु भगवान में और अभी प्रश्न का वो नहीं, अभी सुनिए, प्रश्न बंद है। तो कि ये भगवान कृष्णा जो है, इनके पास ऐश्वर्य इस प्रकार की मात्रा में है। तो अभी जब कृष्ण द्वारका में थे, वानर है, द्वारका में 16,108 रानियों के साथ शादी हुआ कृष्ण का। परंतु द्वारका में और भी लोग थे कृष्ण के, जो रिश्तेदार है, यादव, पूरा यादव वंश। तो कृष्ण ने 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल बनाए, और ऐसे घर नहीं था ईंट का, वहां सब कुछ सोने का, सब कुछ अलग अलग हीरा से बना हुआ, देखने में अद्भुत लगेगा, और महा बहुत बड़ा है 16,108 रानियों के लिए। उसके बाद कृष्ण के जो दूसरे रिश्तेदार हैं, जैसे उद्धव है, सत्यकी, और स्वयं जो उग्रसेन है महाराज, तो और कृष्ण के साथ, कृष्ण के अलग अलग जो क्या बोलेंगे, सेना है और सब। तो इस प्रकार वाला है कि पूरा द्वारका में 900 कितना, 9 लाख महल था, अलग अलग महल 9 लाख। तो वाना ने कि कृष्णा, क्योंकि द्वारका में कृष्णा ने भी एक एक अच्छा, मतलब एक गृहस्थ जैसे, एक क्षत्रिय जैसे वो जी रहे थे, बहुत सारे पत्नियां हैं, रानी है, तो वो राजा जैसा है, तो इसलिए उन्होंने दान दिया, हर दिन दान दिया, ब्राह्मणों को दान देना है, तो हर दिन उन्होंने दान दिया। तो हर एक महल से उन्होंने कितना कितना दिया, वाना ने कि 13,054 गाय दिया दान में, एक महल महल से 13,054 गाय दिया, हर एक महल से, और हर दिन।
अब अगर आप अभी कैलकुलेट करेंगे 9 लाख है, 9 लाख महल है, हर एक महल से दिया 13,054 गाय हर दिन, और गाय के साथ बछड़ा भी था, और गाय के ऊपर सुंदर वस्त्र, सोने के सिंह, सिंह जो है, और पांव जो है चांदी से आवृत हुआ, और अलग अलग अलंकार गाय के ऊपर था। तो मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों के पास कितना गाय है। अगर आप एक गाय दो जितना है आपके पास वो दान में देंगे तो बाद में क्या करेंगे, बाद में नहीं होगा। लेकिन कृष्णा ने हर दिन दान में दिया इतना इतना गाय और बछड़ा के साथ, तो कहां से लिया। तो ये कृष्ण का संपत्ति है, कृष्ण का संपत्ति इस प्रकार है। तो अभी तक कोई कोई देवी देवता कोई ऐसा नहीं दिखाया। ये सारे मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए, नहीं तो पूरा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये तो अनाउंस करना चाहिए, कुछ अनाउंसमेंट नहीं था। तो कृष्ण ने द्वारका में दिखाया संपत्ति, परंतु जो वृंदावन है, वर्णन है कि वृंदावन में सारे वैकुंठ लोग अगर एक मिल के सब कुछ रखेंगे तो एक कोने में रख सकते। वैकुंठ का संपत्ति इतना असीमित है, फिर भी वृंदावन धाम की तुलना में बहुत छोटा है, कुछ है नहीं उसकी तुलना में। तो इस प्रकार भगवान सबसे बड़ा दानी है, उनके पास सारा दान है, और वास्तव में जो हमारे पास दान है उन्हीं का है संपत्ति। जो हम देख रहे इस संसार में, किसी के पास 1 रुपया है, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास करोड़ों है, फिर भी सारा जो दान है उन्हीं का है, उन्होंने दिया इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन क्यों दिया, कि हम उनकी सेवा में लगाएंगे। अगर हम वो अपनी सेवा में लगाते तो उसका परिणाम वो है जो अभी हम भोग रहे हैं, दुख। हम उनकी सेवा में ज़्यादा नहीं लगाते, सेवा नहीं कर रहे भगवान की, तो हम इंद्रियों की सेवा कर रहे तब हम परेशान हैं। इसीलिए वृंदावन ये वैकुंठ लोक में कोई परेशान नहीं है, क्योंकि जो भी संपत्ति है वहाँ और भक्त जो है भगवान के साथ सब कुछ उनकी सेवा में लगाते, इसे सब लोग आनंद में है। तो ये तरीका है, ये रहस्य है। रहस्य है कैसे सुख प्राप्त करना। हम लोग प्रयास कर रहे सुख के लिए, और हम सोचते कि जितना ज्यादा मिलेगा पैसा यश अच्छा रूप तो इतना ज्यादा सुख होगा, परंतु ये बिल्कुल गलत तरीका से हम कर रहे हैं, क्योंकि हम भोक्ता नहीं है, भोक्ता तो भगवान है। भोक्तरम यज्ञतापसम सर्वलोक महेश्वरम, परम भोक्ता भगवान है और हम दास है। हमारा कर्तव्य है उन्हीं की सेवा करना। अगर हम उनकी सेवा करते हैं अच्छे से तो सब कुछ मिल रहा है, कोई कमी नहीं होगा। परंतु अगर हम विचार कर रहे कि मैं ही करूँगा, बाद में देखते हैं आगे, अगर सेवा करना है भगवान की तो करेंगे, अगर कुछ मिलेगा नहीं, नहीं होगा, संतुष्टि नहीं मिल सकते। तो इस प्रकार दानी है भगवान, और अगर हम जीवन भगवान को समर्पित किया तब हम अपने आप सब दान भी मिलता है, कोई काम ही नहीं है। तो कोई भी चीज अभी हम आगे देख रहे हैं कि भगवान के पास शक्ति संपूर्ण रूप में है। तो भगवान कृष्ण ने किस प्रकार का शक्ति है उनके पास, अपनी लीला में उन्होंने दिखाया, जैसे गोवर्धन अभी 8 तारीख को परसों के बाद उसके बाद ये गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन लीला, उसके बारे में जानते हैं आप कि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया और कैसे किया, कैसे उन्होंने किया, क्यों उन्होंने ऐसा किया।
क्योंकि इंद्र ने सोचा कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही बारिश भेज रहा हूं, मेरे वजह से सब अच्छा हो रहा है। और ब्रजवासी लोग नंद महाराज और सब ब्रजवासी सब तैयारी किया इंद्र की पूजा करने के लिए। अब हम इंद्र की पूजा करेंगे, उनको संतुष्ट हो जाएंगे इंद्र, तो अच्छे से बारिश भेजेंगे, तब हमारा फसल, हमारा अन्न दान सब कुछ आएगा। तो कृष्णा उस समय छोटे बालक थे, 7 साल। तो उन्होंने पूछा अपने पिताजी से कि ये सब क्या हो रहा है, किसकी पूजा करने के लिए जा रहे हैं अभी। तो उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा हम कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र बारिश भेज रहे, उसके वजह से अन्न आता है, अब घास भी आते गाय के लिए, तो इसीलिए उनकी पूजा, धन्यवाद करने के लिए ये करना चाहिए, उनको संतुष्ट करना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा कि वास्तव में सारे जो सुविधा है तो वो गोवर्धन से ही आ रहे, गोवर्धन में अलग अलग वो पानी है, घास भी है, गुफा भी है, सब कुछ वहां से मिल सकते हैं, इसलिए इंद्र की पूजा करना जरूरत नहीं है, उससे अच्छा है अगर गोवर्धन की पूजा करेंगे। कृष्ण ने ऐसे सुझाव दिया और नंद महाराज ने कहा कि नहीं, ठीक है गोवर्धन की पूजा करेंगे, परंतु इंद्र की पूजा भी करेंगे, दोनों करेंगे, इंद्र की पूजा पहले करेंगे, बाद में गोवर्धन की पूजा करेंगे, इसमें क्या समस्या है। तो परंतु कृष्ण ने कहा कि नहीं, जरूरत नहीं है, केवल गोवर्धन की पूजा ही करना है, क्योंकि ये इंद्र की पूजा जरूरत नहीं है। तो ये बारंबार ऐसे कृष्ण ने जोर दिया, तो नंद महाराज ने मान लिया, ठीक है ये जो भी सामग्री तैयार हुआ इंद्र की पूजा करने के लिए सब गोवर्धन की पूजा किया, इंद्र की पूजा छोड़ दी। परंतु और उससे पहले बात हुआ, अगर इंद्र नाराज हो जाएंगे तब क्या होगा, तो कृष्ण ने यहाँ कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, इंद्र कुछ नहीं कर सकते। परंतु वास्तव में इंद्र नाराज हो गया बाद में, वो देखा कि ये लोग मेरी पूजा छोड़ दिया, तो बहुत गुस्सा हो गया। तो उन्होंने संवाद तक बादल को भेजा, जो प्रलय का समय उसका काम है, जिस संसार का प्रलय होने वाला है तब संवाद तक आता है, वो बादल है जिससे इतना बड़े इतना अधिक मात्रा में पानी गिर रहा है कि पूरा पूरा बाहर आता है पूरा सब। तो उन वृंदावन ब्रजवासियों को नाश करने के लिए ने इंद्र ये संवाद तक को भेजा, और इतना लंबे लंबे बूंद पानी, इतना स्तंभ जैसे गिर रहे, और बर्फ और बिजली वज्र सब। और तब ब्रजवासी भाग ने बोला कि कृष्णा आपने मना किया इंद्र की पूजा, हम मान लिया, और अभी देखो अभी समस्या हो गया। तो तब कृष्णा बोला कोई समस्या नहीं है, कृष्णा एक छोटे बालक 7 साल के, उन्होंने गोवर्धन उठाया इस छोटा उंगली से आसानी से, एक वर्णन है कि एक छत्र जैसे अम्ब्रेला जैसे बारिश, एक छोटा बच्चा ऐसे उठा सकते आसानी से, कृष्ण ने ऐसे उठाया, पूरा पर्वत उठाया, और सारे ब्रिजवासी सारे गाय सब अंदर आ गया नीचे, और बाहर से बारिश गिर रहे बहुत जोर से, 7 दिन 7 रात निरंतर नॉन स्टॉप, और किसी को कुछ समस्या नहीं हुआ। तो अभी भौतिक दृष्टिकोण से के अनुसार, तार के अनुसार समझ देखना है कि ऊपर से जो इतना पानी गिर रहा है, तो यहाँ जब नीचे इतना आ रहा है पानी, तो बाहर होना चाहिए, नीचे पानी अंदर आना चाहिए, नहीं अगर इतना ज्यादा पानी हो गया बाहर आएगा। परंतु भगवान ने अपनी शक्ति से ऐसे बनाया कि अंदर में भी कोई पानी नहीं आया, किसी को परेशान नहीं हुआ। तो बाद में इंद्र ने समझ गए कि 7 दिन के बाद इतना जोर से बारिश गिर रहे,
तो एक चौथा चौथा वृंदावन गोवर्धन वहां उसको नाश नहीं हो सकते क्या? ये संवादक का शक्ति है पूरा पूरा ब्रह्मांड को वहां डुबाना है मतलब पानी में, तो एक छोटा गांव नहीं हो सकते क्या 7 दिन में? तो समझ गए कि यहाँ पर कुछ गलती हुआ। ये जो छोटा बालक है वो वास्तव में भगवान है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कृष्ण जो ऐसे छोटा बालक है उनके पास इतना शक्ति है कि 7 दिन निरंतर बिना आराम करना, बिना खाना खाना, बिना कुछ नहीं, एक उंगली पर ऐसे उठा रहे और गिरिधारी धारण कर रहे ऊपर पूरा पर्वत। तो किसके पास इतना शक्ति है कि 7 दिन ऐसे करेंगे बिना आराम करना? तो ये भगवान है। परंतु ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने ये गोवर्धन उठाया, ये केवल एक पर्वत है। तो वास्तव में भगवान देखिए कि इस पूरा ब्रह्मांड के अंदर में कितना सारे ग्रह है, से पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र है, कितना सारे है और सब उड़ रहे हवा में, कोई आधार नहीं है उसका ऐसे। और ये सब भगवान ही अपनी शक्ति से सब कुछ हवा में अपनी कक्षा में स्थिर रख रहे। और तो ये कितना शक्ति है उनके पास, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। कितना शक्ति है उनके पास, एकांशेन स्थितो जगत, कृष्ण ने कहा कि ये जो संसार जो चल रहा है वो मेरा एक अंश से सब कुछ काम चल रहा है। तो भगवान का एक अंश है महाविष्णु, कारणोदक्षायी विष्णु, वाला ने भागवत में वही पुरुष अवतार है, भगवान का एक अवतार है जो कर्ण सागर पर शयन कर रहे, विश्व जो शेष नाग है उसके ऊपर शयन कर रहे, और जब श्वास निकल रहे तो उनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड आते, ऐसे ब्रह्मांड आते असंख्य ब्रह्मांड, और बाद में हर एक ब्रह्मांड के अंदर में भगवान महाविष्णु अपने शरीर विस्तार कर देते और उसी के अंदर में शयन कर रहे। और उनका नाम है तब गर्भोदक्षायी विष्णु, तो गर्भ जैसे है ये ब्रह्मांड, एक गर्भ जैसे है, तो उसी के अंदर विष्णु जाते वहां शेष नाग पर शयन कर रहे। गर्भोदक्षायी, शायी मतलब शयन कर रहे। देखिए भगवान सोते 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 इतना सारे ब्रह्मांड बनाते केवल श्वास निकलने से। अब लोग जब सोते तो क्या कुछ काम हो जाते उस समय, कुछ काम कर सकते? नींद आ रहे बस, कुछ पता नहीं क्या हुआ, उड़ गए सुबह। तो भगवान सोते सोते ब्रह्मांड उनके शरीर से आते और खत्म हो जाते भी। देखेंगे अभी गर्भोदक्षायी विष्णु जन वहां अंदर जाते और वहां शयन कर, उनके नाभि से कमल का फूल आते और उसी के ऊपर ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा सृष्टिकर्ता वो जन्म लेते, और तब वो बहुत बहुत कठोर तपस्या करते, तब भगवान विष्णु उनको ज्ञान देते वेदों के बारे में और उनको शक्ति देते और सामग्री भी देते पूरा सृष्टि करने के लिए। तो इस प्रकार हम देख सकते कि ब्रह्मा वो अपने आप सृष्टि नहीं करते, उनके पास शक्ति नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने जन्म लिया कमल के फूल से उनके पास ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मैं कहां से आया। परंतु जब उन्होंने आकाशवाणी से भगवान ने उनको सूचना दिया, आज्ञा दिया कि तुम तपस्या करो तपस्या, तो उन्होंने तपस्या शुरू किया, हजारों साल उन्होंने किया, तब भगवान संतुष्ट थे, तब भगवान उनको दर्शन दिया और पूरा ज्ञान दिया कैसे सृष्टि करना है, सृष्टि को निर्माण करना है। तो और उसके साथ उन्होंने वेदों का ज्ञान दिया,
ब्रह्मा को। तो हम देख रहे अभी ब्रह्मा का आयु लग रहा है बहुत लंबा है। वाना है कि ब्रह्मा जी का जो दिन है 12 घंटा कितना लंबा है। जैसे ये जो चार युग है सत्य त्रेता द्वापरा और कली, अभी कली युग चल रहा है, तो ये चार युग इसको बोलते कल्प। अगर ये चार युग हजार गुना जोड़ेंगे तो वो एक महाकल्प होगा, हजार गुना चार युग। और ये ब्रह्मा जी के 12 दिन है, 12 घंटा, 12 दिन नहीं 12 घंटा। और इस प्रकार चार युग हजार गुना दोबारा, तो 12 घंटा एक रात हो जाएगा, 24 घंटा। तो इस प्रकार उनके जो 30 दिन है तो एक महीना होगा, 12 महीना एक साल, और 100 साल लगभग उनका ये आयु है, इतना लंबा है ब्रह्मा। परंतु वर्णन है कि जब महाविष्णु श्वास निकाल दिया तब हर एक ब्रह्मांड के अंदर में गर्भोदक्षाय विष्णु उनके गर्भ से ब्रह्मा जन्म लेते, और जब श्वास निकल मतलब खींच लिया महाविष्णु वापस, तब सारे ब्रह्मांड वापस उनके शरीर में आते और सारे देवी देवता और ब्रह्मा जी जितना भी सारे ब्रह्मा है वो सब सबका मृत्यु हो गया। तो देखिए कितना शक्तिशाली है ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा ये एक ही देवता है, बाद में जो महादेव है शिव जी है, सारे देवी देवता 33 करोड़ है। तो महाविष्णु श्वास निकाल दिया, ब्रह्मांड आ गया, उसके अंदर में हर एक ब्रह्मांड में बहुत सारे देवतों का जन्म हुआ, और जब श्वास खींच लिया सब कुछ खत्म हो गया। तो उसके हम जो मनुष्य है और अलग अलग जानवर और अलग प्रकार के जो योनि है, तो उनका आयु कितना, ब्रह्मा जी से सारे दूसरे योनियों का जो आयु है वो छोटा है। नहीं हम देखे हमारा आयु कितना है, बहुत कम, अभी कलयुग में 100 साल हो सकते, लेकिन वो भी बहुत दुर्लभ है आजकल। तो भगवान देखिए कितना शक्ति है उनके पास। तो हम देख रहे कि अलग देवों तो के पास शक्ति है, जैसे महादेव है, महादेव कितना शक्तिशाली है, इसे उनका नाम है महादेव, फिर भी वो भगवान के समान नहीं है, भगवान के महान बात है। वर्णन है महादेव के बारे में ब्रह्म संहिता में कि वो भगवान से ही आ गया। क्षीराय था दधि विकार विशेष योग संजायते नहीं तथा पृथक आस्ति हेतु यशम्भुतम समोपायति कार्य गोविंदम आदि पुरुषम तम आम भजामि। जैसे दूध से दही बनता है, दूध में अगर कताई मिलाएंगे तो दही बन जाएगा, परंतु दही से दूध नहीं बन सकता। तो दूध और दही दोनों एक ही चीज है, परंतु अलग भी है। अगर आप ज्यादा दूध पीते हैं तो आपका हो सकते पेट खराब हो गया, तो वो पेट ठीक करने के लिए दही खाना पड़ेगा, तो दही करने से आपका पेट ठीक हो जाएगा। तो दोनों एक ही आइटम है, देख एक ही चीज है परंतु अलग भी है। इस प्रकार जब महाविष्णु दृष्टिपात कर रहे हैं दुर्गा के ऊपर, क्योंकि महाविष्णु कभी भी मोह माया दुर्गा के संपर्क में नहीं आते, हमेशा अगर आएंगे भी इस संसार में भगवान कृष्ण भगवान राम, कभी भी मोह माया दुर्गा की संपर्क में नहीं है, उससे अलग है हमेशा, कभी भी प्रभावित नहीं हो सकते। परंतु दृष्टिपात के माध्यम से वो सारे जीवों जो बद्ध जीव है यहाँ पर इस संसार इस मोह माया के अंदर में जन्म लेते, तो वो दृष्टि का दूसरा नाम है शंभु। शंभु मतलब महादेव शिव जी, वो भगवान विष्णु का दृष्टि है जिसके माध्यम से सारे बद्ध जीव इस मोह माया में आते, जिनको आना है तो उसी के माध्यम से आते। इसीलिए वो विष्णु नहीं है, क्योंकि विष्णु कभी भी मोह माया के संपर्क में नहीं आ सकते,
परंतु शिव जी का कार्य है, ये उनकी सेवा है विष्णु के लिए। इसलिए सारे देवों तो में श्रेष्ठ है महादेव। इसलिए वो सामान्य देवता भी नहीं है, सामान्य जीव भी नहीं है हम जैसे, क्योंकि कोई भी जीवात्मा देवों तो के पात में आ सकते हैं पुण्य कर्म करने से, ब्रह्मा भी बन सकते उसी पात पर आ सकते, परंतु एक सामान्य जीव शिव ये महादेव नहीं बन सकते, वो केवल विष्णु से ही प्रकाश हो सकते। तो कितना शक्ति है उनके पास, परंतु जब ब्रह्मांड प्रकाश हो जाते हैं तो हर एक ब्रह्मांड में बहुत सारे शिव बहुत सारे महादेव है वहां, ये सब वर्णन है शास्त्र में। तो भगवान विष्णु बहुत सारे ब्रह्मा सूर्य महादेव जैसे शिव को बना सकते हैं अपने शरीर से, तो कितना शक्तिशाली है भगवान। तो बहुत सारे लीला है कैसे कृष्णा बहुत सारे असुरों को मार दिया आसानी से, कितना शक्ति है उनके पास। एक है जैसे हिरण्यकशिपु, इतना बड़े असुर थे कि वो भी सारे देवताओं को पराजित किया, परंतु भगवान नरसिंहदेव उनको आसानी से तोड़ दिया, ऑपरेशन कराया हार्ट ऑपरेशन। सारे देवताओं को दल लगा हिरण्यकशिपु से, परंतु भगवान नरसिंहदेव आसानी से उसको मार दिया। तो कितना शक्ति है भगवान के पास, और केवल भगवान के पास। यहाँ पर वर्णन है कि भगवान के जो पार्षद है जैसे उद्धव दारुक सात्यकी श्रुतदेव शत्रुजीत नंद महाराज जो कृष्ण के पिताजी है, उपनंदा भाद्र भीष्मदेव महाराज परीक्षित विदुर अर्जुन और भीम और बहुत सारे और, ये कृष्ण के बाप थे। ये इसमें से कोई भी देवांतों से और शक्तिशाली है, देवी और देवांतों से, क्योंकि भगवान के शुद्ध बाप थे, देवी देवांतों को भी पराजित कर सकते ने अर्जुन ने शिवजी से ही युद्ध किया, शिवजी भी प्रसन्न थे कि उन्हें अच्छा से युद्ध किया, क्योंकि एक्चुअली वो कृष्ण के बाप थे। कृष्णा अपने शुद्ध भक्तों को सारे शक्ति दे सकते, तब देवी देवता जो भी भगवान के बाप है, परंतु इसी स्तर पर नहीं है जो शुद्ध वैष्णव है। देवी देवताओं के अंदर में भी काम वासना है, इंद्र हम देख सकते हैं, और स्वयं महादेव शिव जी वर्णन है जब उन्होंने तपस्या किया एक बार तो कामदेव कंदार्प, जानते हैं आप कामदेव कौन है, वो आया कृष्ण शिव जी को आकर्षित करने के लिए। तो शिव जी आकर्षित नहीं थे, परंतु गुस्सा पा आ गया, क्रोधित हो गया, और उसके वजह से उन्होंने कामदेव को जलाया। तो क्रोध क्यों, वाला ने गीता में भगवान ने कहा कि काम एष क्रोध एष राजगुण समुद्भवा, कि जो क्रोध है वो काम वासना से उत्पन्न हो जाते हैं। काम एष क्रोध एष, काम वासना संतुष्ट नहीं है तब क्रोध आता है। तो इस प्रकार हम देखते शिव जी भी क्रोधित हो गया, जब भगवान के अवतार जो नारायण ऋषि थे तब भी कामदेव आ गया, तब भी इंद्र बहुत सारे अप्सराओं को भेजा उनको आकर्षित करने के लिए, परंतु जब वो अपना नृत्य कर रहे थे अप्सरे और कामदेव भी, उन्होंने आकर्षण के लिए प्रयास किया तो भगवान को कोई गुस्सा नहीं आ गया, उन्होंने देखा और हंसने लगा, और उन्होंने अपने शक्ति से बहुत बहुत और ज्यादा सुंदर अप्सराओं को बनाया अपने शक्ति से, कि जो स्वर्ग लोग के अप्सरे थे वो इतने सुंदर नहीं थे उसके सामने। तो ये देखिए भगवान किस प्रकार के हैं। तो ये शक्ति भगवान अपने भक्तों को पूरा शक्ति दे सकते हैं। तो ये थोड़े छोटी मात्रा में हम चर्चा कर रहे हैं भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान की पावर कितना है। तो वर्णन है कि जो भी शक्ति हमारे पास है
वो भी भगवान ही दे रहे। कृष्ण ने कहा गीता में कि सर्वस्य च हृदय सन्निविष्टो, कि मैं हर एक हृदय में स्थिर हूँ परमात्मा रूप में। और मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, ये जो स्मृति ज्ञान और ज्ञान जो हमारे पास है, स्मरण शक्ति और ज्ञान जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं वो भगवान से ही आ रहे। तो कोई भी काम करने के लिए शक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो सारे शक्ति भगवान से ही आ रहे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पावर है उनके पास। वाना ने भगवान का जो श्रेया श्रेया मतलब सुंदर था, भगवान कृष्ण कितना सुंदर है, ये भी ब्रह्मा जी ने वर्णन दिया कि वेणुं क्वनन्तम् अरविन्दं दलायतक्षं बार्हावतं समसितम्बुदसुन्दरङ्गं कान्दार्पकोटिकमणीय विशेष शोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। के जो भगवान है कृष्णा, वेणुं क्वनन्तम्, यहाँ भी हम देख सकते उनके हाथ में बंसुरी है और वो बजाते। और कृष्ण का जो बजाने का तरीका है इतना सुंदर है, वो ध्वनि आवाज इतना सुंदर है कि सारे लोगों को आकर्षित हो, सब लोग गोपियाँ, केवल गोपियाँ नहीं, सब वानर है, जानवर जैसे गाय है और जो भी है, वृक्ष है, पुरुष है, स्त्री है, जो भी है, सब अगर सुनेंगे ये ध्वनि जो कृष्ण का बांसुरी से आता है तो सबको आकर्षित करेगा, सब लोग उसके पीछे जाएंगे। यमुना जो पानी है वो पत्थर जैसे बन जाते हैं जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, और जो पत्थर है वृंदावन में वो पिघल जाते हैं इस वाणी के वजह से। और कृष्ण को देखने से सब लोग पात्र देख, जैसे कोई अगर कोई सुंदर व्यक्ति जा रहे रास्ते में तो दूसरे लोग ऐसे देखते हैं, ऐसे नहीं ऐसे देखते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण जब जा रहे और बालाराम वृंदावन में तो सब लोग ऐसे देख रहे हैं, तब हिरण गाय और सब ऐसे देखते हैं, कोई दूसरा विचार ही नहीं, केवल वो ही पूरा समाधि में है सब लोग, इतना सुंदर है कृष्ण, छोड़ नहीं सकते। और बाद में जब चले जाते तो उनका जो रूप है इतना सुंदर है कि सब लोग याद करते बारंबार, कितना सुंदर है, विस्मरण नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते भगवान का रूप इतना सुंदर है। तो इसे उनका नाम है कृष्ण, सबको आकर्षित कर सकते हैं। और इतना सुंदर है कि एक बार द्वारका में कृष्ण ने अपना खुद का जो प्रतिबिंब है उसी शीशा में, शीशा नहीं था, नीचे द्वारका में महल के वो नीचे जो है वो इतना साफ है, इस प्रकार का मार्बल है, मार्बल में नहीं, ऐसा है कि अपना चेहरा को देख सकते, अपना रूप को देख सकते। तो कृष्ण ने एक बार देखा अपना खुद का जो रूप है तो उनको बहुत अद्भुत लगा, उन्होंने सोचा कि ये रूप इतना सुंदर है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि वृंदावन में जो राधारानी है क्यों इतना आकर्षित है इस रूप से, कि मैं खुद ही आकर्षित हूँ, इतना सुंदर रूप है कि भगवान कृष्ण अपने खुद के रूप से आकर्षित है। तो ये कृष्ण है। तो कंदार पकोती कमनीय विशेष शोभा, भगवान हजारों कामदेव को आकर्षित कर सकते हैं, एक ही कामदेव बहुत सुंदर है और वो सारे मनुष्यों को आकर्षित करते हैं, स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण हो रहा है कामदेव की काम है, उनका सेवा है। तो भगवान कृष्ण कंदार पकोती कमनीय, वो लाखों लाखों करोड़ों कामदेवों को आकर्षित कर सकते हैं, इतना सुंदर है भगवान कृष्णा। तो ये उनकी सुंदरता है। तो इस संसार में भी जो भी कुछ सुंदरता है
वो उन्हीं की कृपा से है। परंतु इस संसार में जो भी व्यक्ति सुंदर है थोड़ा समय के लिए सुंदर है, बुढ़ापा तक, उसके बाद खत्म। तो इस प्रकार हम देख सकते कि हम भगवान नहीं हो सकते, भगवान हमेशा के लिए सुंदर है। वर्णन है ब्रह्म संहिता में भी कि अद्याह पुराण पुरुषम नव यौवनम च, कि भगवान सबसे पुराना व्यक्ति है, सबसे शुरुआत से ही हमेशा है। तो अगर व्यक्ति इतना वृद्ध है, अगर व्यक्ति वृद्ध है तो तब सुंदर कैसे हो सकते हैं। परंतु भगवान इस प्रकार है कि पुराना पुरुष नव यौवनम च, कि वो सबसे वृद्ध है परंतु हमेशा नव युवक जैसा है। वृंदावन में कृष्णा गोलोक वृंदावन में 20-25 साल का रूप है उनका, उससे आगे उम्र नहीं जा रहा। और भी जब भगवान उसी में थे, यहाँ इस पृथ्वी पर जब कुरुक्षेत्र के युद्ध था, उस समय वर्णन है, मतलब जन्म के अनुसार कृष्ण का उम्र था 120 साल कुरुक्षेत्र युद्ध में, लेकिन देखने में वो युवक थे। 120 साल का व्यक्ति मतलब बूढ़ा होना चाहिए, दाढ़ी होगा ऐसे बूढ़ा हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो तो नव युवक थे। उस समय भी कभी वृद्ध नहीं हो सकते, जो पिसन अव्यायत्मा गीता में वर्णन है, कभी भी जन्म भी नहीं है उनका और कभी भी डिटेरियरेशन मतलब वृद्ध नहीं हो सकते। तो ये भगवान है, तो ये उनकी सुंदरता असीमित है और हमेशा बढ़ते रहते। कृष्ण हमेशा और ज्यादा सुंदर है, ये वर्णन है शास्त्र में भागवत में, कि क्योंकि अगर कोई सुंदर व्यक्ति को हम देख रहे बारंबार तो बाद में बोरिंग हो जाते हैं, नहीं सुंदर है परंतु अभी तो इतनी बार देखा कितनी, अभी इच्छा नहीं है देखने का। परंतु कृष्ण का जो सुंदरता है बढ़ते रहते हैं, इसलिए वृंदावन में जो गोपियां हैं और राधारानी बार बार सोचते कि अब आज तो कृष्ण और ज्यादा सुंदर है, हमेशा सुंदर है लेकिन आज और ज्यादा सुंदर है, और ज्यादा हर दिन लग रहा है कि और ज्यादा सुंदर है। उनका रूप वही है, एक ही है, परंतु हमेशा लग रहा है कि अभी और उनका सुंदरता बढ़ गया है। ये केवल भगवान ही कर सकते, हमारा सुंदरता थोड़ा दिन के लिए हो सकते अगर है, नहीं तो बाद में तो खत्म हो रहे हैं। परंतु कृष्णा बढ़ता रहते हैं उनका सुंदरता और शक्ति भी। तो भगवान सबसे बड़ा सबसे यशवान है विशेष कृष्णा, तो उसके बारे में वर्णन है भागवत में कि यम ब्राह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्य स्तवाय वेदार संग पद कर्मन कर्मोपानिषदाय गायन्ति यम सामगा। तो भगवान कृष्ण इतना यशवान है कि स्वयं ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत और सारे देवी देवता दिव्य स्तुति करते हैं, भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं बारंबार। तो देखिए कि देवी देवता कितना प्रसिद्ध है, सब इस संसार में लोग लक्ष्मी पूजा, शिव जी पूजा, दुर्गा पूजा बारंबार करते, तो फेमस है। परंतु वर्णन है कि देवी देवता खुद बारंबार भगवान की स्तुति करते हैं, वो लोग जो यशवान है वही लोग उनकी स्तुति करते बारंबार। तो उनकी जो जो महानता है भगवान की और यश है वो असीमित है। वर्णन है कि कोई देवी देवता ये असुर ये मनुष्य उनका जो यश है उसकी सीमा नहीं देख सकते, इतना यशवान है भगवान। आजकल भी भगवान जैसे यहाँ पर सब लोग जानते हरे कृष्णा हरे राम, तो आजकल ऐसा नहीं है कि केवल भारत में, पूरा विदेश अमेरिका यूरोप अफ्रीका रशिया जापान चाइना में भी मुस्लिम देश में भी ये हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये भगवान का कृष्ण का और राम का नाम प्रसिद्ध है। हम खुद जानते हैं कि विदेश में हर एक जगह में प्रचार हो रहे हैं इस मंत्र का इस नाम का, तो सब लोग जानते हैं हरे कृष्णा हरे राम
अगर खुद नहीं जापते परंतु जानते कि ये भगवान का नाम है, तो ये भगवान का यश है। जो भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, ज़्यादा उनका फेम और यश यहाँ ही है, सब लोग जानते हैं उनके बारे में भारत में, परंतु विदेश में सब लोग नहीं जानते उनके बारे में। और विदेश में जो कोई नेता है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो यहाँ भारत में लोग नहीं जानते उनका नाम, नहीं जानेंगे। परंतु जो भगवान है, राम है, कृष्णा है, वो तो सब जगह में लोग जानते हैं उनके बारे में। ये उनका यश है, ये यश वास्तविक यश है और हमेशा के लिए रहेगा। तो इस प्रकार, और बात ये है कि आगे वर्णन है कि भगवान का जो ज्ञान है, कितना कितना ज्ञान है भगवान के पास। वास्तव में भगवान के पास संपूर्ण ज्ञान है, कोई सीमा ही नहीं है। जो वेद है, ऋग ऋग साम यजुर् अथर्व, तो ये चार वेद, इसमें कितना सारे श्लोक है, ये सब भगवान से ही आ गया, भगवान ने दिया। महाभारत, उपनिषद, पुराण, कृष्ण ने कहा कि वेदाइच्छा सर्वार अहम एवाविद, वेदांत कृत वेद अविद, वेदों को रचित किया भगवान, सारे ज्ञान उनसे ही आ रहे, ये बात हुआ। मता स्मृति ज्ञान अपोहन, भगवान परमात्मा से सारा ज्ञान आता है, वे कृष्णा इसका स्रोत है। और भगवान सबसे बड़ा वैरागी भी है। किस प्रकार वैरागी है? ये जो सारे संपत्ति उनके पास है, शक्ति है, सुंदरता है, यश है और ज्ञान भी है, फिर भी उनका कोई आसक्ति नहीं है इस चीजों में। अगर आपके पास थोड़ा संपत्ति है, ये शक्ति, तो तुरंत आसक्ति हो जाएगा उसी में, नहीं? अगर आपका आसक्ति नहीं है पैसा में, तो तब आप क्यों पैसा इतना अच्छे से रखते हैं घर पे, सबके सामने नहीं रखते, नहीं? आसक्ति है, भगवान के पास ये सब आसक्ति नहीं है, इसलिए सबसे बड़ा वैरागी है। उनका आसक्ति भी रासलीला में उन्होंने अपने वैराग्य को दिखाया, क्योंकि सारे गोपियों के साथ रासलीला किया, सबको छोड़ दिया बीच में, और राधा रानी के साथ चले गए, वो भी बीच में त्याग किया। तो उनका आसक्ति नहीं है, गोपियों में भी नहीं। हाँ, प्रेम का आदान प्रदान कर रहे अपने भक्तों के साथ, परंतु तो ऐसे आसक्ति तो नहीं है उनके पास जैसे हमारा आसक्ति है, जैसे परिवार में आसक्ति, स्त्री और पुरुष में आसक्ति, इतना आसक्ति है। ऐसे भगवान के पास ये सब नहीं है, इसे उनके पास सारे गोपियां हैं, सारे रानियां हैं, फिर भी थोड़ा सा भी आसक्ति नहीं है इसमें। तो इसलिए सबसे बड़ा वैरागी है, उनके पास सामने ही है सब कुछ, लेकिन आसक्ति नहीं है उसमें, इसीलिए वैरागी है। वो वास्तविक वैरागी वो व्यक्ति नहीं है जो सब कुछ छोड़ दिया और संन्यास लिया। वास्तविक वैरागी वही है जो उनके पास सब कुछ है पर तो आसक्ति नहीं है। हो सकते कि व्यक्ति ने आसक्ति कैसे नहीं है, तो कैसे पता होगा? वास्तव में वो व्यक्ति जिनके पास सब कुछ है, अगर अचानक से सब कुछ जाएगा तो परेशान नहीं होंगे। जिनका जिनका आसक्ति है, अगर हम उनसे कोई डाकू आएगा, चोरी करेंगे, तो बहुत परेशान होंगे। जिनका आसक्ति नहीं है, आएगा जाएगा, कोई अंतर नहीं है, कोई चिंता नहीं होगा। तो ये भगवान है, भगवान कृष्ण। तो इस प्रकार हम देख रहे कि कृष्ण ने सारे चीज दिखाया पूर्ण रूप में, सारे ऐश्वर्य, इसलिए उनका नाम है कृष्ण, और इसलिए वो परमेश्वर है। ये ब्रह्मा जी ने भी स्थापित किया कि ईश्वर परमा कृष्ण सचित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, परमेश्वर है कृष्ण। तो ये गीता में भी स्थापित किया अर्जुन, उन्होंने कहा कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवं पुरुषम शश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम अहुस्वाम ऋषया सर्वे दिवार्षि नारदस्तथा
आशितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रविश्य मे। तो इसी यहाँ पर अर्जुन ने स्थापित किया कि परम धाम और परम ब्राह्मण आप ही है कृष्ण, परम पुरुष, परम पवित्र व्यक्ति, सारे देवों तो के स्रोत, महान विभू, मतलब आप महान ही है। तो अर्जुन ने स्थापित किया और आगे उन्होंने कहा कि नहीं, ये केवल मेरा बात नहीं है, महान ऋषि मुनि जैसे देवार्षि नारद, वेद व्यास, आसित देवल और सारे ऋषि मुनि यही बोलते कि आप ही भगवान। तो उसके हिसाब से हम भी स्वीकार कर रहे कि कृष्णस्थ भगवान स्वयं वेद व्यास उन्हें भागवत में स्थापित किया कि सारे अवतारों का स्रोत है कृष्ण, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्थ भगवान स्वयं। तो इस प्रकार हम देख रहे कि भगवान कृष्ण ही है और उनका आज्ञा है गीता में कि उन्हीं की भक्ति करना चाहिए। ये प्रश्न जो था कि किस पर किस कौन ईश्वर है और कि उनकी पूजा करने से हमारा मोक्ष होगा, तो कृष्ण ने आज्ञा दिया गीता में कि मन मना भव मद भक्तो माध्य जी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजने प्रियोसि मे। उन्हें कहा मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे दंडवत प्रणाम नमस्कार करो। ऐसे ये सब करने से आप मेरे प्रिय बन जाओगे और मेरे पास आओगे निस्संदेह, ये भगवान ने कहा। तो ये तरीका है, ये सरल तरीका है कि कैसे भगवान की, कि कौन है भगवान, भगवान कृष्ण, और उनकी भक्ति करने से उनको उन्होंने सब दिया क्या करना क्या नहीं करना। तो कृष्ण ने भी कहा इसके बारे में कि कौन उनकी भक्ति करेंगे दृढ़ता के साथ। उन्होंने कहा कि जिनको पता है तत्व के बारे में, भगवान की तत्व के बारे में, जैसे अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मात्वा भजन्ते मां दृढ व्रत समन्विता बुद्ध भाव समन्विता। उन्होंने कहा कि इति मात्वा, लोग जो समझ पाया, जो श्रवण करने से समझ पाया कि अहम सर्वस्य प्रभु, कि मैं सारे चीजों का स्रोत हूं, सब कुछ मुझसे ही आते। तो जिनको पता है इति मात्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव, वो तो बुद्धिमान है और वो भाव से मेरी भक्ति और सेवा कर रहे। तो इसलिए भगवान के बारे में सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। और तब किस प्रकार करना है, क्योंकि लोग बोलते हैं जब भगवान की मर्जी होगी तब हम भक्ति करेंगे, ऐसे बोलते हैं, तब हम उनके थोड़ा ज्यादा भक्ति करेंगे जब उनकी इच्छा होगा। तो उन्होंने अपने इच्छा को दिया गीता में और पहले से। और कल एक बात हुआ जो हम बताए कि आज बताएंगे कि दामोदर लीला में जब यशोदा माई ने कृष्ण को बनने के लिए प्रयास किया तो जितना भी राशि जोड़ दिया, हमेशा ये राशि दो उंगली के लिए चौथ था। तो ये दो उंगली का अर्थ क्या है ये हम कल नहीं बताए, आज बताएंगे। और ये है कि हमारी तरफ से प्रयास, एक उंगली मतलब मेहनत करना है भक्ति में भगवान को प्रसन्न करने के लिए, परंतु ये भी काफी नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए, उन्हीं की कृपा भी होना चाहिए, ये दूसरा उंगली है। तो यशोदा माई ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत किया कृष्ण को बनने के करने के लिए, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया जितना भी जोर दिया, परंतु ये प्रयास करने से भगवान ने देखा कृष्ण कि ये इतना प्रेम प्रेम से मुझे बनने के लिए प्रयास कर, प्रेम के वजह से, भक्ति के वजह से। इसे वाला ने भक्ति बालन, भक्ति के माध्यम से यशोदा माई ने कृष्ण को बन दिया। तो तब कृष्ण ने अनुमति दिया कि आप मुझे बन कर सकते। तो इस प्रकार अगर हम प्रयास करेंगे
भगवान को समझने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, तब वो अपनी कृपा जब देंगे तब हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार भगवान कृष्णा है। तो ये दो उंगली का अर्थ है कि हमारी तरफ से प्रयास होना चाहिए, और क्या प्रयास करना है, किस प्रकार करना है, इसके बारे में भी चर्चा करना है कि भक्ति कैसे करना। कल चर्चा हुआ कि दान वास्तविक भक्ति मतलब बिना हेतु केवल उनको प्रसन्न करने के लिए, तो वृंदावन में सारे ब्रिजवासी वही करते। तो बात हुआ कि भक्तों के संग में भक्ति करना है। कल आज सुबह गीता का जो श्लोक था कि कोई भी नीच जाति भी भगवान के सामने, मतलब भगवान कोई भेदभाव नहीं कर रहे, कोई भी व्यक्ति कोई भी जाति अगर गंभीरता से भक्ति करेंगे भगवान स्वीकार करेंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे। कृष्ण ने कहा पाप योनि स्त्री वैश्य तथा शूद्र, और भागवत में वर्णन है उससे नीचे जो भी कोई व्यक्ति गंभीरता से भक्ति करेंगे, और उसके बारे में वर्णन हुआ कि भक्तों के संग सात संग प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि सीधा भगवान की को प्राप्त करना कृष्ण को संभव ही नहीं है। गुरु चाहिए उसके लिए गुरु चाहिए, और इसके बारे में भी वर्णन है, क्योंकि बात ये हुआ आज ये डिस्कशन हुआ सुबह कि कोई बोले कि शिव जी भगवान है, परंतु शिव जी भगवान नहीं, शिव जी गुरु है। नहीं, शिव गुरु तो किस प्रकार गुरु है वो हम अभी थोड़ा देख सकते हैं कि कैसे क्या हुआ। भागवत में वर्णन है कि एक राजा थे, उनका नाम थे परचिनबारही महाराज, उनके 10 पुत्र थे, और ये पुत्रों का नाम था प्रचेत। जो प्रचेत जब वो बालक थे, युवक थे प्रचेत, तो परचिनबारही महाराज ने आज्ञा दिया कि तुम सब तपस्या करने के लिए जाओ, और उस तपस्या करने से भगवान विष्णु की पूजा करना है और उनसे आशीर्वाद मांगना, अभी तपस्या करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और कि बाद में अच्छा गृहस्थ बन जाएंगे। तो जब महाराज ने पुत्रों को ऐसे आदेश दिया तो उनके पुत्र तुरंत स्वीकार किया और अपना पिता का आज्ञा पालन किया। तो ये भी है कि पिता का आज्ञा होना चाहिए भक्ति करने के लिए, और पुत्रों का आचरण ऐसे होना चाहिए कि बिना पूछना इसका आज्ञा पालन करना चाहिए। आजकल पुत्र और युवा पीढ़ी पिता माता का आज्ञा इतना जल्दी पालन नहीं करते, वापस कुछ बोलते, ऐसा है यहाँ गांव में शायद पालन करते पता नहीं, परंतु अलग अलग जगह में नहीं करते, बोलते कि नहीं हम नहीं करेंगे, ऐसे बोलते। लेकिन प्रचेत ने ऐसा नहीं किया, तो इसका इससे हम देख सकते कि अंदर में जो गुण है वो अच्छा है। एक्चुअली वरिष्ठ लोगों का आज्ञा पालन करना चाहिए, ऑफ कोर्स वो आज्ञा सही होना चाहिए। तो परचिनबारही महाराज का आज्ञा सही था, शास्त्र के हिसाब से था कि अभी तपस्या करना और विष्णु की पूजा करना है, तो वो आज्ञा पालन करने के लिए तुरंत अपना घर छोड़ दिया और चले गए, और वहाँ एक बहुत लंबा तालाब के तक के पास पहुँच गए, और वहाँ बहुत शांत था, बहुत अनुकूल जगह था तपस्या करने के लिए। परंतु अचानक से एक आवाज आ गया, उस समय स्पीकर और साउंड सिस्टम नहीं था, परंतु कीर्तन का आवाज आ गया, और वो उसी पानी से निकल रहे, वो एक सुंदर व्यक्ति आ रहे, और वो नंदी के वाहन पर स्वयं शिवजी महादेव अपने पार्षदों के साथ वहां पहुंच गए। पार्षदों के बारे में वाले भूत प्रेत, परंतु केवल भूत प्रेत नहीं, वो गंधार भी थे और दूसरे देवता भी थे उनके साथ, सब शिव जी का गुणगान कर रहे थे। वाणन है कि शिव जी का दर्शन भी बहुत दुर्लभ है, बड़े बड़े
लोग बहुत तपस्या करते शिव जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए, फिर भी नहीं कर सकते। अभी ये जो प्रचेत है वो शिव जी की पूजा करने के लिए नहीं जा रहे थे, विष्णु की पूजा करने के लिए, फिर भी शिव जी ने दर्शन दिया। और क्यों दिया, क्यों दिया, इसके बारे में वर्णन है कि शिव जी बहुत संतुष्ट थे देखने से। इस श्लोक में माने सतम प्रपन्नाति हरो भगवान धर्म वत्सल धर्म जन शील संपानन पिता प्रितान वाच धर्म वत्सल। शिव जी को पसंद है अगर कोई व्यक्ति धर्म का पालन करे। तो उन्होंने देखा कि ये प्रचेत ने वो धर्म को पालन करने के लिए जा रहे थे तपस्या करने के लिए, विष्णु की पूजा करने के लिए। इसे उन्होंने कहा, क्या उन्होंने बोला आगे श्लोक में वर्णन है। श्री रुद्र उवाच यूयम वेदी वेदी शतः पुत्र वेदितम वश्चिकीर्षितम अनुग्रहाय भाद्रम वा एवं मे दर्शनम कृतम। शिव जी ने कहा मैं जानता हूं कि आप लोग पर्चनबारी राजा पर्चनबारी के पुत्र है और मैं जानता हूं आप क्या करने के लिए जा रहे, आप क्या करेंगे अभी, मैं ये सब जानता हूं। तो बिना परिचय सामान्यतः अगर कोई आ रहे मतलब कोई घर पर आ गया ऐसे तो हम परिचय कर रहे हैं कि मेरा नाम ऐसा है, ये इसका नाम ऐसा है, एक दूसरे को ऐसे परिचय कराते कि हम जानते कि कौन है कौन। तो यहाँ पर राजा के पुत्र है वो कोई परिचय नहीं हुआ। तो वो नहीं बोला कि हम पचनबारी के पुत्र है, नहीं, शिव जी को तुरंत पता हुआ कि कौन है और क्या करेंगे वो भी बात नहीं हुआ, तुरंत उनको समझ में आया। इसीलिए बोल दे कि मैं इसलिए दर्शन दिया आपको क्योंकि मैं जानता हूं आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, वो विष्णु की पूजा करने के लिए जा रहे। तो ये आगे श्लोक में वर्णन है, महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा शिव जी कि यह परम रमहसा साक्षात त्रिगुणा जीव संगीता भगवंतम वासुदेवम प्रपरस्य सप्रियो हिमे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन भगवान वासुदेव को समर्पित किया तो वो इस प्रकार का व्यक्ति मेरे प्रिय है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन भगवान वासुदेव कौन है, ओम नमो भगवते वासुदेव है, यही कृष्ण है। अगर व्यक्ति अपने जीवन उनको समर्पित किया शिव जी ने कहा तो तब वही मेरे प्रिय है। उन्होंने बोला जो मेरी पूजा कर रहे हैं वो मेरे प्रिय है, जो विष्णु की पूजा कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं वही मेरे शिव जी के प्रिय है। और क्योंकि इस प्रकार शिव जी गुरु है उन्होंने कहा आगे कि इसीलिए मैं आपको मंत्र दूंगा। उन्होंने कहा ये भी कहा आगे श्लोक में कि व्यक्ति बहुत तपस्या करने से ब्रह्मा के पात में आ सकते और उससे आगे अगर तपस्या करेंगे तो ब्रह्मा का पात प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को वर्णन है कि 100 जन्म अपना जो वर्णाश्रम में जो आपका परिस्थिति है उसको बिना पाप का पालन करना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण है तो पूरी 100 जन्म आपको पूरी तरह से पालन करना होगा सारे नियम। अगर आप क्षत्रिय वैश्य शूद्र उसी के हिसाब से अगर आप बिना पाप 100 जन्म ये अभ्यास किया तो आप ब्रह्मा बन सकते हैं, इतना पुण्य अगर आप कमाए। परंतु कौन कर सकते हैं ऐसा, शिव जी ने कहा उससे आगे अगर व्यक्ति और ज्यादा पुण्य करेंगे तो शिव जी का दर्शन प्राप्त कर सकते, शिव जी नहीं बांध सकते दर्शन मिल सकते। परंतु बोले व्यक्ति जो आपने जीवन समर्पित किया भगवान कृष्ण को तो बहुत जल्दी कृष्ण के पास जा सकते, 100 जन्म और ये सब प्रतीक्षा करना जरूरत नहीं है।
और जाने केवल समर्पण करने से। तो उसे आगे शिव जी ने कहा कि इसीलिए मैं आपको विशेष, क्योंकि आप विष्णु के बाद थे, आप मैं विशेष मंत्र देता हूं, विशेष मंत्र, जिस मंत्र से आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने रुद्र गीत दिया, ये भागवत में पूरा अध्याय है, रुद्र गीत। शिव जी ने वो मंत्र सुनाया प्रचेतों को और बाद में चले गया, और बाद में जब वो उसका मंत्र का उच्चारण करते थे, वो भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हम भगवान को अपने आप नहीं प्राप्त कर सकते, हम अपना मंत्र भी नहीं बना सकते, हम मंत्र गुरु से ही प्राप्त कर सकते। गुरु जो प्रमाणिक मंत्र दिया शास्त्र के हिसाब से, वो भी गुरु अपना मंत्र नहीं बनाते। तो मंत्र भी प्रकाट हो जाते, और इस प्रकार गुरु मंत्र दीक्षा देते शिष्यों को, और शिष्य बाद में उसको पालन करने से, अभ्यास करने से भगवान को प्रसन्न कर सकते और भगवान अपना दर्शन दे सकते। तो इस प्रकार हम देख रहे कि देवी देवता भी खुद ही भगवान के बात थे, जैसे शिव जी है। यहाँ पर शिव जी की जो पत्नी है पार्वती, उनके नाम है वैष्णवी, इसका अर्थ क्या है, विष्णु की बात थे। कृष्ण ने कहा कि माया दक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, ये जो मोह माया है मेरे अध्यक्ष के अंदर में कार्य कर रहे हैं। हम सब लोग मोह माया से प्रभावित है, इसलिए हम परेशान हैं। पर तो ये मोह माया क्यों इतना शक्तिशाली है, क्योंकि भगवान की बात है, भगवान की शक्ति है। कृष्ण ने कहा कि दैवी हे सगुना मायी माम माया दुरत्यय माम एवा ये प्रपाद्यन्ते मायाम एतांतरंतिते, कि ये जो मोह माया है उसको पार करना संभव नहीं, संभव ही नहीं एक बद्ध जीव के लिए। दुरत्यय बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक है मोह माया, पार नहीं कर सकते। परंतु भगवान ने कहा कि माम एवा ये प्रपाद्यन्ते, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अगर अपना जीवन मुझे समर्पित किया तो आसानी से पार कर सकते, क्योंकि तब भगवान जो माया के मोह माया के स्वामी है वो मदद करेंगे, उन्हीं की कृपा से हो सकते। तो ये तरीका है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सारे देवी देवता भगवान की कृपा से अपने कार्य करते और उन्हीं की पूजा करते, तो तब हम क्या करेंगे, तब हमें भी यही करना चाहिए। इसीलिए इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान कितना शक्तिशाली है। और हम देख रहे हैं कि सात बात हुआ कि सात संग के वजह से हम भगवान की भगवान को प्राप्त कर सकते, सीधा नहीं कर सकते। तो इसके बारे में वर्णन है, जो दामोदर अष्टक हम गाएंगे, कल भी हम किया, तो इसमें वर्णन है कि कुबेरात्मा झाओ बाधा मूर्त्य त्वया मोचिताओ भक्ति भाजो कृता उच्छा। कल चर्चा हुआ कृष्ण लीला के बारे में कि यशोदा माई ने कृष्ण को बांध दिया और एक उकल पर बांध दिया, उकल, और कृष्ण छोटे थे, अभी उकल इतना भारी था कि वो खींचने के लिए संभव नहीं है, एक ऐसे छोटा बालक जो अभी तक नहीं चल सकते दो पांव से अच्छे से, तो वो इधर उधर जा रहे थोड़ा, तो फिर भी उन्होंने उकल खींच लिया और खींच रहे वो उकल पीछे, और वहां पर दो बहुत बहुत बड़े लंबे वृक्ष है जिनको बोलते अर्जुन वृक्ष, अर्जुन वृक्ष आप जानते हैं, यहाँ पर है गांव में, तो बहुत शक्तिशाली है, उसको उसको तूफान भी नहीं तोड़ सकते, नहीं बहुत पावरफुल, उसका जड़ बहुत गहरा में जाते हैं। तो वो दो अर्जुन वृक्ष थे, तो कृष्णा चौथे बालक है तो उसके बीच में निकल गए, परंतु जो उकल है जो उन्होंने पीछे खींचते खींचते वो फंस गया, तो अब एक छोटा बालक उकल भी नहीं खींच पाएंगे ऐसा, फिर भी वो खींच लिया, परंतु जो उकल फंस गया दोनों वृक्ष के बीच में,
तो ये दोनों वृक्ष गिर गया तुरंत तुरंत अचानक से गिर गया, तो कैसे हो सकते है? ये भगवान इतना शक्तिशाली है। तो उसी वृक्ष से दो विशेष देवता निकल गया और भगवान कृष्ण की स्तुति शुरू किया, और वर्णन है कि ये उसी स्तुति में खुद का इतिहास बता रहे थे पूर्व जन्म कि मणिग्रीव और नारद कुबेर जो कुबेर के दो पुत्र है स्वर्ग में थे और वहां पर अप्सराओं के साथ एंजॉय करते भोग करते तालाब के अंदर में पानी में, और वो सब लोग बिना कपड़े थे और उस समय नारद वहां पहुंच गए। नारद तो सारे अप्सरे ने अपने शरीर को आवृत किया, कपड़ा पहन लिया, जल्दी साधु आ गया, ये आचरण इस प्रकार होना चाहिए। पर तो मणिग्रीव और नारद कुबेर ऐसा नहीं किया, वो नासे में थे। नासे में जब व्यक्ति है तो कुछ पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना, और वो मजाक कर रहे थे नारद के साथ। नारद के साथ नारद को मजा नहीं आया, नारद तो गुस्सा हो गया क्योंकि देखा कि ये लोग देवता है परंतु ऐसे आचरण कर रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे। इसलिए उन्होंने तुरंत उसको सुधारने के लिए श्राप दिया कि तुम लोग ऐसे बिना कपड़ा यहाँ पर रहते तो तब वृक्ष बन जाओगे, क्योंकि वृक्ष के ऊपर भी कोई कपड़ा नहीं है, कोई वस्त्र नहीं पहनते, तो तुम वृक्ष बन जाओगे। तो दोनों को समझ में आया कि अभी श्राप मिल रहा है, तो बहुत परेशान हो गया दोनों, तो प्रार्थना किए कि आप माफ कीजिए नारद। तो नारद ने कहा कि अभी श्राप मैंने दिया तो वापस नहीं लेंगे, वापस मना नहीं कर सकते, परंतु आप दोनों नंद महाराज के घर पर वृक्ष बन जाओगे जहां स्वयं भगवान आपको दर्शन देंगे। इस प्रकार हुआ। तो हम इस लीला से सीख सकते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं उनको अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगर प्रसन्न नहीं होंगे तो क्या होगा, श्राप मिल सकते हैं। और भक्त हमेशा श्राप भी नहीं देते, भगवान संतुष्ट नहीं है क्योंकि भगवान के जो प्रिय, अगर कोई प्रिय भक्त है भगवान के तो उनको अगर हम अपमान किए तो भगवान अपने आप संतुष्ट नहीं होंगे, बाप तो माफ करेंगे, बाप तो सोचेंगे भी नहीं कि कोई अपराध हुआ, ऐसे भी हो सकते हैं, परंतु भगवान माफ नहीं करेंगे। ये अम्बरीश महाराज की कथा है, ये अलग कथा है। तो वहां पर अम्बरीश नहीं सोचा, जब दुर्वासा मुनि उसको मारने के लिए प्रयास किया, वो नहीं सोचा कि ये तो दुर्वासा ने मुझे अपमान किया, उन्होंने सोचा कि मैं ही उनको अपमान किया, फिर भी भगवान माफ नहीं किया, खतरनाक चीज है एक्चुअली। तो नारद ने श्राप दिया, परंतु ये भी दूसरी बात है इस लीला में कि जो वास्तविक बात थे या वो आपको आशीर्वाद दिया ये श्राप दिया, दोनों लाभदायी है। ये दोनों मणिग्रीव और नारद कुबेर अच्छे से सेवा नहीं किया, अच्छे से व्यवहार नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी ऐसा श्राप मिला जिसके माध्यम से कृष्ण का दर्शन हुआ, तो ये वास्तविक साधु है। ऐसे साधु के संग से भगवान की प्राप्ति होगा कुछ ऐसे जैसे, इसलिए वर्णन है कि साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र होए, लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अगर हम साथ संग कर रहे थोड़ा समय के लिए, एक क्षण के लिए साथ संग किया जैसे, तो क्या होगा, सर्व सिद्धि, पूरा सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवात्माओं के लिए सिद्धि वही है, भगवान की प्राप्ति, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण लीला में जाना है। तो ये दोनों मणिग्रीव और नारद कुबेर ने थोड़ा समय साथ संग किया, और वो भी गलत तरीका से, नासे में है और अच्छे से व्यवहार नहीं किया, फिर भी कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया नारद की कृपा से। तो इस प्रकार ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए,
कि भगवान अगर उनकी उनकी आशीर्वाद से अगर हम वास्तविक साथ संग मिल सकते हैं तब हम मुक्ति की तरफ जा सकते हैं, तब हम सारे दुखों को समाप्त कर सकते हैं। इसे भगवान अलग अलग भक्तों को भेज रहे इस संसार में, खुद आते हैं प्रचार करने के लिए और बाकी बारंबार किसी को भेजेंगे अपने पार्षद को जो प्रचार करते भगवान का, भगवान के गुणगान करते सिखाते भक्ति के बारे में। तो इसे गुरु शिष्य परंपरा है, तो ऐसे भक्त इतना शक्तिशाली है कि किसी को भी मतलब शुद्ध क्या बोलते हैं भगवान की भक्ति करा सकते हैं, उनको शुद्ध बना सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जो है यहाँ पर उसी वहाँ पिक्चर है जो आसन पर बैठते हैं वहाँ, तो उनका यही महानता है कि उन्होंने इतना सारे विदेशी लोगों को जिनके पास कोई ज्ञान नहीं था भगवान के बारे में और सब लोग पाप में लीन है, ऐसे लोगों को शुद्ध बनाया, ऐसे लोगों को परिवर्तित किया। और उनका मुख्य प्रचार था भागवत गीता भागवतम और हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भी अपने मन से नहीं दिया मंत्र, परंतु कलि संतरण उपनिषद से, जहाँ ये मंत्र ब्रह्मा जी ने नारद को दिया कलयुग के लिए, कलयुग में सब लोग इतना पाप करेंगे, तो नारद ने देखा कि ऐसे होगा, तो देखा कि ये लोग इतना परेशान होंगे, तो लोगों को कैसे उधार देना, लोगों को कैसे मदद करना, तो इसलिए उन्होंने ब्रह्मा से जिज्ञासा किया, ब्रह्मा जी से, कि कलयुग के लिए आप अच्छा उपाय क्या होगा, कैसे लोगों को उद्धार करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उन्होंने आगे समझाया कि इति षोडश काम नाम नाम करी कर्मश नाशनम नतः परतरोपायात् सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये 16 शब्दों का मंत्र जो है करी कर्मश नाशनम, कलयुग में जो कर्मश है वो नाश हो जाएगा। कर्मश मतलब पाप, कोई भी व्यक्ति पाप करेंगे अगर मंत्र जप करेंगे, यही मंत्र दिया, तो तब ये कर्मश पाप समाप्त हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। और उन्होंने कहा नतः परतरो पायात, उससे अच्छा कोई मंत्र नहीं है, सर्व वेदेषु दृश्यते, पूरा वेद पढ़ो, वेदों में बहुत सारे मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेव ये भी मंत्र है, गायत्री मंत्र सब वेद में है, परंतु कलयुग के लिए सबसे बढ़िया सबसे अच्छा मंत्र है ये ही मंत्र दिया, ये ब्रह्मा जी ने नारद को दिया। और ब्रह्मा कहाँ से प्राप्त किया, स्वयं भगवान से ही। तो इसी परंपरा के अनुसार हम ये मंत्र जप करते हैं, उसको हम प्रचार कर रहे हैं, तो ये सनातन धर्म है कलयुग के लिए। तो सारे आचार्य कलयुग में यही सिखाते हैं, जो प्रामाणिक आचार्य है, इसे ये मंत्र को जाप करना चाहिए, उसका कीर्तन करना चाहिए। उसके बारे में कल भी चर्चा करेंगे, कल शाम को इस चैतन्य महाप्रभु कौन है, कलयुग में भगवान का अवतार कौन कौन थे, तो अभी समाप्त करेंगे, सब लोग थक गए। आपका कुछ प्रश्न है, संदेह कि जो हम बोला कि कृष्ण भगवान है कि है कि नहीं, तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हम ही बोले थे, आपका प्रश्न था, हमारा प्रश्न यही था कि हम लोग जब कहीं प्रवचन सुनने जाते हैं तो कहीं विष्णु भगवान को लोग भगवान साबित करते हैं, कभी कृष्ण भगवान को साबित करते हैं, तो भगवान कृष्ण में और विष्णु भगवान में कितना अंतर है? अच्छा प्रश्न है कि कृष्णा और विष्णु में क्या अंतर है, अच्छा प्रश्न है, ये कई बार मतलब लोगों का भ्रम है कि क्या है, वास्तव में एक ही व्यक्ति है, परंतु अंतर ये है कि कृष्णस्थ भगवान स्वयं भगवान कृष्ण है, और कृष्ण के बहुत सारे विस्तार और मान्य अवतार है।
उदाहरण देंगे, सरल उदाहरण ये है कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, पुलिस यहाँ पर पुलिस ज्यादा नहीं आते, परंतु आप जानते पुलिस क्या है। पुलिस व्यक्ति जो है वो उनका घर भी है और ऑफिस का काम भी है अपना, सरकार का काम। तो जब वो अपने काम में जाते तो यूनिफॉर्म पहनते, उनका विशेष यूनिफॉर्म है, उनके हाथ में बंदूक भी है, मारने के लिए भी दंड है, ये सब है उनके पास, उनके पास शक्ति है बोलने के लिए, अधिकार है। और लोग जो उनसे मिलते हैं, जब वो अपने काम कर रहे हैं, तो सब लोग उनको आदर देते हैं, उनसे अच्छा बात करते हैं। लोग उनसे मजा नहीं करेंगे ज्यादा, नहीं तो मारेंगे। तो हो सकते कोई उनके मित्र है तो बात होगा, अच्छे से कुछ मजा करेंगे, इतना यहां तक जाएंगे, परंतु सब लोग उनको आदर से के साथ बात करेंगे, ठीक है। लेकिन वही व्यक्ति जब शाम को उनका ड्यूटी समाप्त होगा, वो अपने घर पे जाएंगे, और उनके घर पे कौन है, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, पिता माता है, तो वहां उनकी माँ उनको गाली देंगे, क्यों इतना लेट आ गया। बच्चे बोलेंगे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पिताजी के ऊपर जाएंगे, पत्नी वो भी मजाक है, कुछ भी बात करेंगे, गुहम बात करेंगे जो सबसे बात नहीं कर सकते, उनके दोस्त आएंगे तो मजाक करेंगे, ऐसे एक ही व्यक्ति है, लेकिन घर पे उनका आचरण ना लगे, पूरा घनिष्ठ संबंध है घर के लोगों के साथ, लेकिन जो काम कर रहे हैं वहां पर गंभीर एक बात। तो ये है कृष्णा वृंदावन में, वो अपने घर पे है, वहां पर मैं हम चर्चा किया, वास्तव में वहां पर कृष्ण के जो ग्वाले हैं और जो उनके मित्र है, वो कई बार लाडू जब खाते और अच्छा लगता है तो बोलते ये लाडू बहुत अच्छा है कृष्ण, तुम भी खाओ, और अपना उचिष्ट कृष्ण को खिलाते प्रेम से, क्योंकि प्रेम इतना है। तो वैकुंठ में संभव नहीं है कि भक्त अपना उचिष्ट विष्णु को खिलाएंगे, कभी नहीं हो सकते, परंतु गोलोक में संभव, क्योंकि इतना घनिष्ठ संबंध है। तो ये अंतर है, परंतु सारे अवतारों का स्रोत कृष्ण ही है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन कृष्णा ओरिजिनल है, ये शास्त्रों का सिद्धांत है। कई बार लोग सोचते कि विष्णु से ही कृष्ण अवतार लिया, क्योंकि ये ब्रह्म क्यों आता है, क्योंकि हमेशा सारे देवी देवता जब परेशान हो जाते तो विष्णु के पास जाते, क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास जाते। इस ब्रह्मांड के अंदर में जिसको बोलते ध्रुव लोक, और महा श्वेत द्वीप, उसी द्वीप पर क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते हैं, जो वास्तव में परमात्मा है। तो सारे देवी देवता ब्रह्मा के साथ वहां जाते और स्तुति करते, तब वो दर्शन देते और बोलते कि मैं आऊंगा और ऐसे। तो ये है, तो सारे अवतार उनके माध्यम से आते हैं, परंतु जब विशेष समय आते तब गोलोक वृंदावन से कृष्ण स्वयं आते, और सारे जो अवतार हैं सब उनके अंदर में सम्मिलित है, क्योंकि वो स्रोत है, ये वर्णन है। इसीलिए लोग सोचते हैं कि जब कृष्ण स्वयं आते हैं तो वो भी विष्णु का अवतार है, क्योंकि सारे अवतार क्षीरोदक्षाय विष्णु से आते हैं, परंतु परमात्मा के वो विस्तार है, परंतु नहीं, कृष्ण जब आते तो स्वयं गोलोक से ही आते पर्सनल, और सारे जो विष्णु है कृष्ण के ही विस्तार है। तो अगर इसमें देखेंगे कि कैसे ये विस्तार कैसे चल रहा है, शास्त्रों में वर्णन है कि जो रूप है सर्वोपरि रूप है कृष्ण का है, उनका जो पहला विस्तार है वो बालाराम है, कृष्ण बालाराम, बालाराम कृष्ण ही है वास्तव में, परंतु उनका उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके भाई जैसे, वो वही भगवान है। बालाराम के आगे जो विस्तार है, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये बाद में बालाराम से आगे विस्तार हो रहा है, और उसके बाद अलग अलग विष्णु आते जो वैकुंठ में रहते,
तो ये शास्त्र में सब वर्णन है। और बाद में द्वितीय चतुर्व्यूह से दोबारा ये जो महाविष्णु है, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, उसी रूप से आते जो परमात्मा है सब। तो इस प्रकार हमारे सवाल ही आपका, आप संतुष्ट हैं? ठीक है। भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसको कहते हैं? तो वही हम शुरुआत में आप लेट आ गए क्या? लेट नहीं आए। लेट नहीं आए। भगवान किसको कहते हैं? तमाम भगवान हैं। हम भगवान किसको कहते हैं? कैसे मान लिया जाए कि भगवान है? एक शब्द और कहे हैं महात्मा जी कि विष्णु के, कृष्ण के पहले के विष्णु है, विष्णु के बाद कृष्ण है। महात्मा जी जो कहे नहीं, मुख्य प्रश्न हमारा प्रश्न यह नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। हमारा प्रश्न यह है भगवान किसे कहते हैं? तो वही मैं एक्सप्लेन किया, आप श्रवण नहीं किया क्या? भगवान का परिभाषा हम दिया और हम उसको हर एक शब्द हम एक्सप्लेन किया। छह ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से समाग्र से वीर से यशस्य ज्ञान भरोगयोश्चय वा शोन भाग इति गणा, ये भगवान की परिभाषा। दोबारा शुरुआत में ही हम बताए कि जिनके पास ऐश्वर्य, दान, यश, शक्ति, ज्ञान और वैराग्य समाग्र से संपूर्ण रूप में जो है उनके पास हमेशा के लिए, इसको बोलते भगवान, इसको बोलते भगवान। इसलिए सर्वशक्तिमान, हाँ शक्ति है केवल सर्वशक्तिमान, ये तो एक ही गुण है। सब सब सरदान, सारे रूप, सबसे सुंदर, सबसे बड़ा ज्ञान वही है, वही परिभाषा है। तो हम बताए और बाद में हम कृष्ण के बारे में बताए कि उनके पास किस प्रकार के दान है, किस प्रकार का यश है, किस प्रकार का शक्ति है, वो हम एक के बाद दूसरा डिस्कस किए। तो परिभाषा बता दी कि आप पहचान है क्या, और क्या, और आपको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए भगवान जैसे मन ही पैदा होता, यही तरह भगवानों पैदा भज बड़े आगे प्रगट भज बड़े कि कैसे भज बड़े, ये हम जानना चाहते हैं। समझ में आया क्या पहले फायदा हुआ? अरे ये बोल रहे हैं ना भगवान, जैसे हम लोग मनुष्य जो पैदा होता है ना, मनुष्य जन्म लेते हैं तो वैसे भगवान भी जन्म लेते हैं। हाँ नहीं, भगवान कभी भी जानना नहीं ले सकते। कृष्ण खुद बोले अजो पिसान अव्यायत्मा, कि मैं कभी जानना नहीं लेता हूँ। जन्म कर्म चमे दिव्यम, अगर भगवान लग रहे कि जन्म लिया, क्योंकि जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के बारे में हम श्रवण कर रहे, जब कृष्ण ने जन्म लिया देवकी, वासुदेव और देवकी, तो कैसे जन्म लिया? तो वास्तव में जन्म नहीं लिया हम, जैसे दिव्या है वो प्रकाश हो जाते। अभी आप सुनिए पहले, तो कृष्ण ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भावति भारत अभ्युत्तरम आधर्मस्य तदात्मनाम सृजन्याम, ये शब्द है सृजन मतलब प्रकाश, वो जन्म नहीं है वास्तव में। भगवान कृष्ण, भगवान राम, उनका अस्तित्व हमेशा है। वो कभी कभी इस संसार में आते और अलग अलग तरीका से, कृष्ण ने तो बस देवकी के गर्भ से जन्म लिया ऐसा लग रहा है, परंतु जब कोई दूसरा अवतार आया, जैसे मान लीजिए नरसिंह भगवान, वो कैसे आया? वो जन्म नहीं लिया ऐसे, वो तो स्तंभ से प्रकट हो गया। नहीं, जब वामन देव ऐसा हुआ है तो फिर इस युग में क्यों नहीं हो जा रहा है, इस समय क्यों नहीं हो रहा है? भगवान पर आपत्ति पड़ती है, विपत पड़ती है, कोई महिला हो कोई पुरुष हो जिस पर आफत पड़ती है, तो क्यों नहीं भगवान प्रकट होकर उस आफत को दूर? हाँ, जैसे प्रहलाद के लिए किया। एक्चुअली क्यों नहीं कर देता? क्यों क्यों? आप सुनिए, पर ये तो हर चीज के जवाब आपसे नहीं मांगो, वेद व्यास नहीं नहीं। सुनिए पहले, ये हम बात करेंगे, ये भी क्या बात हुआ कि सृजन भगवान प्रकाश हो जाते हैं, भगवान जन, ये एक पॉइंट है, ये हम डिस्कस उसके आगे पढ़ेंगे कि देखिए भगवान हमेशा है, वो प्रकाश है, जैसे सूर्य। अभी सूर्य है कि नहीं? आप लोग श्रवण करना चाहते हैं, आप क्यों प्रश्न पूछते हैं केवल ऐसे?
दिखाने के लिए, ठीक है। तो तब सुनिए, तो आप प्रवचन दीजिए तब। सुनिए पहले, आप ना प्रवचन बाद में दीजिएगा, पहले सुनिए। जो प्रश्न करना है तो एक आदमी, ठीक है, अभी हम समाप्त कर रहे हैं। कोई प्रश्न उत्तर कीर्तन कर देखिए। आप मनुष्य हैं क्या? मनुष्य ऐसे झगड़ा करेंगे? मनुष्य जो वास्तविक मनुष्य ऐसे झगड़ा नहीं करें, उसी सत्संग में ऐसे करते। आप क्या आचरण, आपका आचरण कैसा है? थोड़ा ये पहले एक प्रश्न, बाद में दूसरा प्रश्न, ऐसे वन बाय वन ऐसे। तो ठीक है, पहला प्रश्न था भगवान जन्म नहीं लेते। एक उदाहरण केवल देता हूं, जैसे सूर्य, अभी सूर्य है कि नहीं दिखा नहीं दे, ये बात है। सूर्य अभी दिखा नहीं दे रहे, अज्ञानी लोग सोचेंगे कि अभी नहीं है, हो सकते हैं। और सुबह सूरज आए तो अभी सूर्य का जन्म हुआ, परंतु जिनके पास ज्ञान है तो जानते कि अभी भी सूर्य है, लेकिन हम नहीं देख सकते। समय आएगा सुबह तब। तो इस प्रकार भगवान भी है, अभी भी है कृष्ण, अभी भी राम है, सब है, नरसिंह भी है। तो वो जब समय आएगा प्रकाश हो जाएंगे, और कौन देख पाएंगे? केवल जो बाघ थे वो समझ पाएंगे। जब कृष्ण थे तब जो असुर जैसे दुर्योधन प्रत्यक्ष भगवान को देखा, परंतु नहीं समझ पाया कि ये भगवान है, क्योंकि वो असुर है, अंदर में बहुत ईर्ष्या है, द्वेष है। जो असुर और बाघ में ये अंतर है कि बाघों के अंदर में द्वेष नहीं है, इसलिए समझ पाते कि ये भगवान है, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान ये है अभी, ठीक है। आप भगवान जन्म नहीं लेते, हम जैसे हम कर्म पाप और पुण्य के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म लेते हैं, भगवान ऐसा नहीं है। उनका दिव्य शरीर है, हमेशा ही है, हमेशा उसी शरीर का अस्तित्व है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये था कि भगवान क्यों प्रकट नहीं हो जाते, जब आजकल लोगों का समस्या हो रहा है, लोग परेशान है, भगवान क्यों नहीं आते था? प्रहलाद महाराज जैसे, उनके लिए भगवान प्रकट हो गए। देखिए प्रहलाद महाराज तो महान भक्त थे, शुद्ध भक्त। आजकल इस प्रकार के भक्त नहीं मिलता है। वासुदेव सर्वामिति समहात्मा सुदुर्लभा, कि जो वासुदेव है भक्त, जो महात्मा है, जो समझ पाए कि भगवान वासुदेव सब जगह में ही है और सब कुछ उनसे ही आ रहे हैं, तो ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है। लोग शुद्ध भक्ति नहीं करते, जैसे प्रहलाद महाराज किस परिस्थिति में उन्होंने भक्ति किया, उनके पिताजी उनको मारने के लिए प्रयास किया बारंबार, खुद भी और कराया भी अपने लोगों से, राक्षस से, फिर भी प्रहलाद ने भक्ति नहीं छोड़ा। उन्होंने और दृढ़ से भगवान को याद किया, स्मरण किया और भगवान पर निर्भर थे, तो तब भगवान को रक्षा दिया। और हम लोग परेशान हैं, और हम कितना भक्ति किया, कितना हम पाप किया, और अगर लोग पूजा भी करते तो क्यों करते? केवल स्वार्थ के लिए। भगवान इससे संतुष्ट नहीं है। अगर मैं आपसे अच्छा बात करूंगा, मैं आपकी प्रेम कर रहा हूं ऐसे, लेकिन मेरा अंदर उद्देश्य है कि मैं आपसे पैसा लूंगा, तो ये प्रेम है। आप जब आपको पता होगा कि मेरा बात करने का उद्देश्य क्या है और सेवा करने का उद्देश्य क्या है, तो आपको कैसे लगेगा कि मैं आपसे कुछ लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, ये अलग बात है। अगर मैं निस्वार्थ से सेवा कर रहा हूँ और अगर आपको ये पता है, तब अलग चीज होगा। तो जो भक्त भगवान की सेवा निस्वार्थ भावना से करते, तब ऐसे भक्तों के लिए भगवान
अगर उनकी मर्जी होगा होगी तब वो प्रकाश हो सकते हैं अपनी मर्जी से। तो हम प्रहलाद जैसे नहीं है, हमें पहले प्रहलाद होना चाहिए तब भगवान अगर मर्जी होगा तो आएंगे, ये बात है। और एक बात है, कलयुग में धर्म ग्लानी हो रहे, पर तो भगवान इस युग में भी आया लेकिन दूसरे रूप में। वर्णन है काली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में काली काल ये जो आजकल है, भगवान नाम रूप में प्रकाश हो गया। तो अगर हम हरे कृष्ण हरे राम जाप कर रहे हैं गंभीरता से, तो भगवान हम भगवान के साथ है, उनके संग में। एक्चुअली ये ध्वनि रूप है, भगवान अलग अलग रूप में आ सकते हैं। स्वयं कृष्ण या राम के रूप में आएंगे, असुरों को मारेंगे, परंतु कलयुग में वो असुरिक प्रवृत्ति जो हमारे अंदर में है वो सफाई करना है। और कल हम डिस्कस करेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि ये युग अवतार है कलयुग में। भागवत के हिसाब से, महाभारत के हिसाब से, अलग अलग शास्त्रों में उनका भविष्यवाणी घोषित हुआ पहले। भगवान कौन है, भगवान का अवतार कौन है, केवल शास्त्र के हिसाब से हम समझ पाते हैं। आजकल बहुत सारे भगवान है ने, बारंबार कोई ना कोई भगवान आते बाजार में और बाद में जेल में जाते। जैसे राम रहीम बहुत फेमस है, आसाराम बाबू, बहुत सारे हैं। तो लोग उसको भगवान मानते हैं, परंतु प्रमाण क्या है? शास्त्र का कोई प्रमाण है? भागवत में सारे अवतारों का वर्णन है कि उनका नाम ऐसे होगा, इस प्रकार कार्य करेंगे, उनका पिता का नाम ऐसे है, उनका रूप इस प्रकार होगा, उस समय आएंगे, ये करेंगे, सब सारे डिटेल्स है। लेकिन ये जो आजकल कलयुग में बहुत सारे भगवान हो सब कोई वर्णन ही नहीं है, और उनके आचरण से हम देख सकते कि वो भगवान नहीं है, ऐश्वर्य गुण ये सब। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? किसी अभी तो पहले बहुत बोलते थे, अभी कोई प्रश्न नहीं पूछते, आराम से पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल पूछ ले, सुनिए अभी प्रश्न पूछे।